여중생이 동급생 친구들에게 20여일 동안 상습적으로 폭행을 당해 온몸이 Hello everyone, welcome back to another video. तुम में से सिर्फ अभी कुछ ही ऐसे लोग होंगे जिन्होंने अभी तक Netflix पर ग्लोरी सीजन ना देखा हो। ऑन द वन हैंड दिस सीजन इज क्रिटिसाइजिंग बाय मैनी पीपल्स, मगर मेरा ये मानना है कि इस सीजन में ऐसी चीजें दिखाई गई हैं जो कि हमारी सोसाइटी में है तो सही, मगर हम में से कोई भी उनके बारे में बात नहीं करना चाहता। एंड अकॉर्डिंग टू माई पॉइंट ऑफ व्यू दिस सीजन इज सो अमेजिंग। इस सीजन में जो टॉर्चर सीन दिखाए गए हैं उन्हें देखने के बाद मैं हमेशा यही सोचता रहता था कि काश ऐसा किसी के साथ इस असल जिंदगी में ना हो। लेकिन सिर्फ आज से दो दिन पहले मैंने एक आर्टिकल पढ़ा जिसके ऊपर लिखा हुआ था, द ग्लोरी सीरीज इज बेस्ड ऑन रियल लाइफ इंसिडेंट। आई वॉज इन टोटली शॉक कि जो जो उस सीजन में दिखाया गया था क्या वो सच में किसी लड़की पर हुआ था। बट जब मैंने आर्टिकल रीड करना शुरू किया तो मैंने ऐसी ऐसी चीजें पढ़ी जो कि उस सीजन में दिखाई गई हैं, उनसे भी ज्यादा डिस्कस्टिंग हैं। और मैं ये यकीन से कह सकता हूँ कि अगर तुम्हें उनका पता लग गया तो तुम में से बहुत से लोग अनइजी फील कर सकते हैं। एक 16 साल की मासूम लड़की जो कि साउथ कोरिया में पढ़ती थी, लेकिन उसका बुलीज ने ये हाल कर दिया। ऐसा कोई भी उसकी बॉडी का हिस्सा नहीं था जहाँ पर उसके जलने का निशान ना हो। दिस इंसिडेंट इज आल्सो बेस्ड इन साउथ कोरिया। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं तुम्हें ये कहना चाहता हूँ कि ये वीडियो बहुत ज्यादा ग्राफिक होने वाली है, और अगर तुम्हें वायलेंस सुन के बहुत ज्यादा अनइजी फील होता है तो तुम अभी भी ये वीडियो छोड़ सकते हो। सो टुडे वी आर गोइंग टू इन्वेस्टिगेट द केस ऑफ च्योंगजू बुलिंग इंसिडेंट। ऑन मे 2006 च्योंगजू पुलिस स्टेशन में एक कॉल रिसीव हुई। कॉल पर एक 16 साल की लड़की थी जो कि बहुत ज्यादा रो रही थी। वो च्योंगजू मिडिल हाई स्कूल से थी। शी वॉज इन सो मच पेन और उसने पुलिस से कहा कि मुझसे खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा। जिसके बाद पुलिस फौरी स्कूल में पहुंची और उसको जाकर रेस्क्यू किया। रेस्क्यू करते ही उसको हॉस्पिटल एडमिट करवा दिया। जब वो रिकवर हुई तो पुलिस ने उससे पूछा कि आखिर तुम्हारे साथ हुआ क्या था, जिसके बाद उसने अपनी पूरी स्टोरी बताई। दिस नाइटमेयर स्टार्ट्स ऑन मे 2006 जब सिर्फ एक 16 साल की बच्ची जिसका नाम जंग था। जंग अभी नई नई च्योंगजू शिफ्ट हुई थी और उसका आज पहला च्योंगजू मिडिल हाई स्कूल में दिन था। जंग के फादर पूरा दिन काम करते रहते थे और वो कभी कभी ही घर आते थे, जबकि जंग की मम्मी जब सिर्फ वो 5 साल की थी तो छोड़कर उसे चली गई थी। अब जंग सिर्फ अपने पापा के साथ रहती थी। शी वॉज अ ब्राइट स्टूडेंट इन स्कूल बट वो बहुत ज्यादा शाये भी थी। वो किसी से बात करना पसंद नहीं करती थी और सिर्फ अपने आप में रहना बहुत ज्यादा पसंद करती थी। वो एक नॉर्मल डे था, लेकिन जब ब्रेक हुई तो तीन लड़कियां जंग के पास आई और उसे कहने लगी कि हमें $20 दो। जंग ने उन तीनों को इग्नोर किया और उन्हें किसी तरह का भी आंसर नहीं दिया, लेकिन ये वजह थी कि उन तीनों लड़कियों को जंग पर बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया। इट हर्ट देयर ईगो और अब वो ये रास्ता निकालने लगी कि वो जंग को आखिर कैसे टॉर्चर करें और अपना बदला लें। जिसके बाद जैसे ही छुट्टी हुई बच्चों ने अपना बैग उठाया और घर जाने के लिए तैयार होने लगे। थोड़ी ही देर में क्लास पूरी तरह खाली हो गई। उन तीनों लड़कियों में से उनकी हेड का नाम किम था। किम और उसके साथियों ने छुट्टी टाइम जंग को रोक लिया और उससे सवाल करने लगे कि तुमने हमें क्यों इग्नोर किया, तुम्हें हमारे सवालों का जवाब देना चाहिए था। कल हमारे लिए $20 लेकर आना, नहीं तो तुम्हारे साथ बहुत ज्यादा बुरा हो गया। लेकिन इन सब के दौरान जंग बिल्कुल चुप रही और उसने किसी तरह का आंसर नहीं किया। जंग प्रेफर्ड टू रिमेन साइलेंट, लेकिन इस वजह से किम और उसके साथियों को जंग पर बहुत ज्यादा गुस्सा चढ़ गया, जिसके बाद किम ने जंग के बालों से पकड़ा और उसे खाली क्लासरूम में ले गए। वहां जाकर उन तीनों ने जंग को बहुत ज्यादा मारना शुरू कर दिया। अब अगले 30 दिनों के लिए ये टॉर्चर जंग पर लगातार होने वाला था, क्योंकि जैसे ही स्कूल की छुट्टी होती थी किम और उसके साथी जंग को एक खाली क्लासरूम में ले जाते थे और वहां पर उसको टॉर्चर करना शुरू कर देते थे। टॉर्चर के दौरान वो जंग से सिर्फ एक ही बात कह रहे होते थे
कि हमें $100 दो। और जैसे जैसे दिन बढ़ते गए उनकी डिमांड्स भी बढ़ती जा रही थी। जंग एक मिडिल क्लास घर से आती थी और वो इतने ज्यादा पैसे अफोर्ड नहीं कर सकती थी। जंग के फादर दिन रात मेहनत कर रहे थे ताकि वो जंग को पढ़ा सके। एवरी डे दे डिमांड मनी और जब जंग उन्हें नहीं दे पाती थी तो वो उसे बहुत ज्यादा मारते थे। जैसे जैसे दिन आगे बढ़ते जा रहे थे टॉर्चर का तरीका और ज्यादा सवेयर होता जा रहा था। फर्स्टली किम और उसके साथी एक बेसबॉल बैट का इस्तेमाल कर रहे थे जिससे वो जंग को बहुत ज्यादा मारा करते। जिसके बाद किम को लगा कि जंग इससे बहुत ज्यादा यूज्ड हो गई है और अब उन्हें किसी नए तरीके से इसे टॉर्चर करना चाहिए। सो आफ्टर डैट तुम में से जो भी लड़कियां स्कूल जाती हैं तुम्हारे पास सेफ्टी पिन जरूर होती हैं। उन्होंने उसी सेफ्टी पिन का इस्तेमाल किया और जंग के सारे चेस्ट एरिया पर उससे स्क्रैच करना शुरू कर दिया। जंग के सारे चेस्ट एरिया पर सेफ्टी पिन कट्स के निशान बने हुए थे और वो इतने ज्यादा निशान थे कि जिन्हें तुम इमेजिन भी नहीं कर सकते हो। मैं तुम्हें इस तरह एग्जांपल देता हूँ कि जंग के पूरे चेस्ट से खून निकल रहा होता था। एक वक्त आया जब किम और उसके साथियों ने सोचा कि ये सेफ्टी पिन से भी जंग को ज्यादा पेन नहीं मिल रही, जिसके बाद वो हाई हील्स पहनकर आती और जंग को उससे मार मार कर टॉर्चर करती थी। दे यूज हर एज अ बॉक्सिंग बैग और वो उसको पंच किया करते थे। अब्यूज इवन वेंट टू एक्सट्रीम जब किम ने सोचा कि वो अपने हेयर कलर को जंग की बॉडी पर टेस्ट किया करेगी। एक हेयर कलर का टेम्परेचर 200 डिग्री सेंटीग्रेड होता है और वो उसी हेयर कलर से जंग की बॉडी के हर पार्ट्स को जला रहे थे। बस चेक करना है गर्म है या नहीं। कोई भी ऐसा पार्ट नहीं रह गया था जहाँ पे हेयर कलर से जंग की बॉडी को जलाया ना गया हो। इतना ज्यादा टॉर्चर करने के बाद उसे हॉस्पिटल एडमिट करना पड़ा और वहाँ पर वो 6 वीक्स के लिए रही। जब जंग को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज मिला तो उसे ये लगा कि वो अब घर जाकर आराम कर पाएगी, मगर किम और उसके साथियों ने जंग की जिंदगी को हेल बनाया हुआ था। किम और उसके साथी हॉस्पिटल के डिस्चार्ज होने के पहले ही दिन जंग के घर पहुंच गए। किम ने क्लॉथ प्रेसिंग आयरन ली और उससे जंग की बॉडी को जलाना शुरू कर दिया। उसके वो जख्म जो के अभी रिकवर भी नहीं हुए थे, किम ने उन जख्मों को दोबारा जलाकर उनमें से पस निकलनी शुरू हो गई थी। जब जंग के साथ इतना बुरा हो रहा था तो उसके फादर कहाँ पर थे? क्या उसके फादर को जंग की पेन दिखाई नहीं दे रही थी? जंग के फादर जंग को अच्छी लाइफ देने के लिए दिन रात काम कर रहे थे और जब जंग के फादर रात को वापसी आते थे तो जंग सो रही होती थी, इसलिए जंग की बॉडी पर जो निशान बांध रहे थे वो उसके फादर कभी देख ही नहीं पाए। सो वन डे जंग स्कूल में ही थी और छुट्टी के बाद किम और उसके साथियों ने जंग को बहुत ज्यादा टॉर्चर किया था। जंग वाज इन अ वेरी वर्स कंडीशन। जब उसने पुलिस को कॉल की तो पुलिस ने उसे आकर रेस्क्यू किया। आफ्टर सम रिकवरी जंग से पुलिस ने पूछा कि आखिर तुम्हारे साथ ये किसने किया है। एक्चुअली किम और उसके साथियों ने जंग को ब्लैकमेल किया हुआ था कि अगर तुमने हमारे बारे में किसी को भी बताया तो हम तुम्हारे फादर को मार देंगे और तुम्हें टॉर्चर करते वक्त जो हमने वीडियोस बनाई हैं उन्हें हम सोशल मीडिया पर पोस्ट कर देंगे। सो जंग ने मजबूरी में अपनी इनोसेंट 3 क्लासमेट्स का पुलिस को नाम दे दिया। जब पुलिस ने उन पर इन्वेस्टिगेशन की तो वो पूरी तरह इनोसेंट थी। इस केस को न्यूज पर बहुत ज्यादा कवरेज मिल रही थी इसलिए ये केस बहुत ज्यादा फेमस हो गया था। वो 3 इनोसेंट लड़कियां जिनका जंग ने नाम दिया था, पीपल ऑफ कोरिया उन्हें कॉल कर उन्हें धमकियां देते थे और उनको बहुत ज्यादा हेट कर रहे थे। ऑन द अदर हैंड जब किम और उसके साथी जंग को टॉर्चर किया करते थे तो किम की ही किसी क्लासमेट ने किम की टॉर्चर करते वक्त वीडियो बना ली थी और वो किम को भेजकर ब्लैकमेल कर रही थी कि तुम अपने क्राइम को जाकर पुलिस को बता दो नहीं तो मैं तुम्हारी वीडियो सोशल मीडिया पर लीक कर दूंगी, जिसके बाद तुम्हारा फैसला आम पब्लिक करेगी। सो फाइनली June 2, 2006 किम ने अपने क्राइम को कॉन्फेस कर लिया और उसने अपने दो दोस्त की आइडेंटिटीज को भी बता दिया जो के मिलकर जंग को टॉर्चर किया करते थे। देखो यार, जितना भी टॉर्चर जंग पर हुआ था वो सब उसी के स्कूल में हुआ था, तो मैं ये सोच रहा था कि जंग के टीचर्स को इसके बारे में आखिर कैसे नहीं पता। जब स्कूल अथॉरिटी से ये सवाल हुआ तो उन्होंने जवाब दिया
कि किम ऐसे प्रिटेंड करती थी जैसे वो जंग की बहुत अच्छी दोस्त है। स्कूल अथॉरिटीज को कोई आइडिया नहीं कि आखिर जंग के साथ ऐसा कैसे हो गया। अब किम और उसके साथी अरेस्ट हो चुके थे, मगर उन सब की एज 18 से नीचे थी, इसलिए उनका फैसला जुवेनाइल कोर्ट करेगा। जुवेनाइल कोर्ट ने किम को सिर्फ एक साल की सजा सुनाई, जिसके मुताबिक वो जुवेनाइल जेल में सिर्फ एक साल गुजारेगी, जबकि बाकी जो किम की दो साथी थी उनकी आइडेंटिटी तक रिवील नहीं की गई, क्योंकि उनका ये एक्सक्यूज था कि इस वजह से उनकी इमेज खराब हो सकती है और उन दो लड़कियों का फ्यूचर भी खराब हो सकता है, इसलिए कोर्ट ने बाकी दो लड़कियों की आइडेंटिटी आज तक रिवील नहीं की। वेल, उन दो लड़कियों को सिर्फ होम अरेस्ट किया गया, जिसके मुताबिक वो 2 महीने पुलिस की मॉनिटरिंग में रहेंगी, लेकिन वो अपने घर में ही सिर्फ अरेस्ट रहेंगी, उन्हें किसी तरह की भी जेल नहीं हुई। उन्होंने जंग को कितना ज्यादा टॉर्चर किया और क्या इतनी सी सजा जस्टिफाइबल है? जंग इज अ ग्रोन लेडी नाउ, लेकिन अभी भी उसका ये कहना है कि जब वो रात को सोती है तो उसको अपने टॉर्चर के दिन याद आते हैं, जिस वजह से उसकी अचानक से आंख खुलती है और वो जोर जोर से चिल्लाने लगती है। यानी कि सिर्फ 30 दिन का ट्रॉमा आज भी उसकी लाइफ को इफेक्ट कर रहा है, जबकि बाकी की 3 लड़कियां आज पता नहीं अपनी लाइफ में कहां पर होंगी। डेटा ऑफ एजुकेशन मिनिस्ट्री के मुताबिक 2017 में बुलीज केसेस जो रिपोर्ट हुए थे उनकी अमाउंट 31,000 थी, जो कि 2022 तक 44,000 तक हो चुकी थी। पुलिस के पास हर तरह के एविडेंस और विटनेस होते हैं, लेकिन इसके बावजूद सिर्फ 2% ऐसे स्टूडेंट होते हैं जिन्हें किसी और स्कूल में ट्रांसफर कर दिया जाता है, और सिर्फ 2.1% ऐसे स्टूडेंट होते हैं जिन्हें स्कूल से एक्सपेल कर दिया जाता है, और ये सिर्फ वो केस हैं जो कि पुलिस में रिपोर्ट होते हैं। थाउजेंड ऑफ केसेस ऐसे हैं जो कि आज तक कभी पुलिस में रिपोर्ट हुए ही नहीं। जस्ट अ फाइनल मैसेज, इफ यू आर अ गर्ल और ब्रदर लाइक मी, अपने छोटे बहन भाइयों का बहुत सा ध्यान रखो। या तो सोसाइटी में तुम्हें किसी ऐसी गर्ल या बॉय का पता है जिसे दूसरे स्टूडेंट्स बुली कर रहे हैं, तो उसकी हेल्प करने की कोशिश करो, नहीं तो उसके बारे में पुलिस को जरूर बता दो ताकि किसी की जान बच सके। तो आज का केस यहीं पर खत्म होता है। कीप योर फैमिली क्लोज टू यू। I will meet you very very soon in the next episode, and don't forget to subscribe because we are very near to 500 subscribers. Stay safe, be healthy, and goodbye.